हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, मैं यहाँ पे पपीता तोड़ रही हूँ और मैंने तोड़ भी लिया है एक पपीता। अब मैं इस पपीते को अच्छे से धो के काट रही हूँ, क्योंकि आज हम बनाएंगे पपीता और अरहर से कुछ दाल। मैं यहाँ पे पपीते को दो हिस्सों में काट रही हूँ। आप इस पपीते के बीज को अच्छे से निकाल लीजिए, क्योंकि अगर ये रह जाता है तो ये करी को कड़वा बना देता है। आप किसी भी दाल से बना सकते हैं, आज मैं बनाऊंगी अरहर के दाल से पपीता। देखिए, मैंने यहाँ पे बीज को अच्छे से फेंक दिया है और मैं थोड़े बड़े बड़े हिस्सों में काट रही हूँ इसको। देखिए, मैंने पपीता काट लिया है और मैं यहाँ पे अरहर का दाल धो रही हूँ। आप कोई भी दाल यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ आज अरहर का दाल बना रही हूँ इसलिए। मैं दाल में थोड़ा सा नमक और तेल यूज़ करके मैं इसको बॉयल करूँगी। और ये गया अरहर का दाल और साथ में पपीता। थोड़ा सा पकने लगा है ये, और मैं यहाँ पे मिर्ची डाल रही हूँ। जब आपका दाल बॉयल हो जाएगा तब आप थोड़ा टर्मरिक डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे मैंने डाल लिया है यहाँ पे, देखिए। अब हम लगाएंगे तड़का इस पे। तड़का लगाने के लिए गाइस, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है अनियन का लेप्स। आप प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, गार्लिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है अनियन का पत्ता और तेज पत्ता, सूखी मिर्च। आपको इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब इसमें ब्राउन ब्राउन कलर आने लगेगा तब आप इसको तड़का लगा देना है। और मैंने यहाँ पे तड़का लगा लिया है। ये बहुत ही सिंपल सा डिश बनेगा, क्योंकि आप थोड़ा सा ही दाल बनाया है मैंने। देखिए, मैंने बना लिया है दाल, ख़त्म होने को आ गया है नमक। हाँ, मैं ऐड करना भूल गई थी नमक। आज बहुत ही सिंपल सा बनाया है और यहाँ पे मैंने थोड़ा जीरा पाउडर यूज़ किया है। फिर थोड़ा सा आपको इसको उबाल लेना है, फिर आप अलग कर लीजिए। आज बहुत सारा काम था तो मैं कुछ बना भी नहीं पाई, इसलिए मैंने आज थोड़ा सा दाल भी बनाया है। और ये ख़त्म हो गया दाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है।